अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पुत्री के इंतजार में रोक रखा था पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार। आज शाम बेटी रिया लौटी यूएस से, बुधवार सुबह होगा अंतिम संस्कार। जाने माने उद्योगपति ने सोमवार को लगाई थी फांसी। देवास के जाने माने उद्योगपति त्रिभुवन सिंह चावड़ा, ठिकाना पटाड़ी, उम्र 51 वर्ष, ने रविवार रात को अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वे देवास के मोती बंगला में निवास करते थे। सुबह परिजनों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि परिजनों के निवेदन पर इस सुसाइड नोट को गोपनीय रखा गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम उनकी पुत्री रिया के यूएस से लौटने के बाद बात करने का निवेदन किया। इसके बाद शव को सुरक्षित रखा गया और मंगलवार शाम करीब 5 बजे पुत्री रिया की फ्लाइट इंदौर लैंड हुई। इसके बाद रिया शाम 6 बजे के आसपास देवास पहुंची। जिला अस्पताल में सुरक्षित रखे गए शव का बुधवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार होगा। जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम सुबह जल्दी होगा, क्योंकि अंतिम यात्रा का समय सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय होगा कि श्री चावड़ा की देवास और पीथमपुर में 3 कंपनियां हैं और उनके पिता प्रताप सिंह चावड़ा गजरा गियर्स कंपनी के MD रह चुके हैं। श्री चावड़ा के निधन से राजपूत समाज सहित जानने पहचानने वाले लोग शोक संतृप्त हैं। हर कोई यही चर्चा करते हुए अचरज कर रहा है कि 3-3 कंपनियों का मैनेजमेंट संभालने वाले श्री चावड़ा आत्महत्या जैसा कदम कैसे उठा सकते हैं। किन परिस्थितियों ने उन्हें यह करने पर मजबूर किया होगा। बहरहाल जो भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट की जांच के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी।